हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, सब लोग चले गए आज ही। तो मैं आज सोची कि थोड़ा सा मैं वीडियो बना रही थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि जब मैं लाइव में आई थी आप लोगों से बात करने के लिए, तो बहुत लोगों ने कहा था मैम मेरा क्रिएटिनिन 1.3 है, 1.5 है, 1.6 है, बहुत लोगों ने कहा था। मैंने सबसे पूछा कि आप लोग पानी कितना इनटेक करते हो, तो आप लोग बोले थे कि मैम हम लोग कभी 2 लीटर कभी 3 लीटर पीते हैं, 3 लीटर तक ऐसे पीते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप पानी कम पियोगे तो आप जितना खाना खा रहे हो तो आपका जितना भी खाना है तो जो टॉक्सिन जो जमा हो रहा है आपका स्टमक में, तो वो चीज़ नहीं निकल रहा है। जो भी बॉडी में टॉक्सिन जमा हो रहा है वो चीज़ आपका क्लियर नहीं हो रहा। 2 लीटर 3 लीटर तो बहुत मामूली बात है पानी पीने का, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल इंसान पीता है। तो हम लोग नॉर्मल में से अलग है, स्पेशल लोग हैं। तो हम लोगों के लिए जो मतलब बोला जाता है कि पानी कम से कम 4 या 5 लीटर पीना चाहिए। तो हम लोगों को अगर आप 4 लीटर 5 लीटर इंटेक करोगे पानी, तभी जाके आपका क्रिएटिनिन जो है थोड़ा कम होगा, और नहीं तो आपका क्रिएटिनिन आस्ते आस्ते बढ़ते रहेगा। क्योंकि खाना पीना तो आप अच्छे से खा रहे हो, क्योंकि बहुत लोगों का ट्रांसफर होके 4 महीना 5 महीना 6 महीना ऐसा हुआ है, तो लोगों का क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ जा रहा है क्योंकि वो लोग पानी कम पिए। 2 लीटर 3 लीटर पानी पीना बहुत ही कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि डॉक्टर भी मुझे भी पानी के लिए थोड़ा ज़्यादा बोले थे। तो मैं भी पानी पीती हूँ, जब भी देखती हूँ जब मेरा क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तो डॉक्टर बोले कि मुझे कि आप पानी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो। तो जब मैं पानी पी के अच्छे से पानी में पीती हूँ, उसके बाद मैं क्रिएटिनिन का चेक करती हूँ, तो मेरा क्रिएटिनिन लो हो जाता है, मतलब लो बनने से नॉर्मल में आ जाता है। अगर मैं नहीं पीती हूँ, कम पीती हूँ, मुझे लगता है कि मैं कम पानी पी रही हूँ, तो मेरा क्रिएटिनिन का 1 पॉइंट बढ़ जाता है। तो मुझे डॉक्टर बोले थे अगर आपको आपका क्रिएटिनिन को नॉर्मल रखना है तो आप पानी थोड़ा इनटेक ज़्यादा करो, तब जाके आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल रहेगा। तो वही बोलना चाहती हूँ फ्रेंड, जो भी लोग हैं मेरे चैनल में न्यू है, जिसका न्यूली ट्रांसप्लांट हुआ है, आप लोग पानी पीने का इनटेक को कम मत कीजिए। आप पानी पीने के इनटेक को 4 या 5 लीटर कम से कम रखिए, क्योंकि मैं कम से कम 6 लीटर बोले डॉक्टर मुझे, 6 लीटर मैं पी नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं 4 या 5 लीटर पीने के लिए बहुत ही सोचती हूँ और पीती भी हूँ, चाहे ठंडा हो चाहे बरसात हो। लेकिन हमारा अगर जितना हम लोग खाते हैं, इनटेक करते हैं खाना पीना, जो मन हम लोग खाने की इच्छा करता है वो अच्छा से खाते हैं हम लोग खाना, है ना, तो वो चीज़ जितना भी हम लोग खाते हैं तो उसको फ्लश आउट करना है बाय यूरिन। तो उसके चलते में हम लोगों को पानी अच्छा से इनटेक करना, ताकि यूरिन के थ्रू से हमारा जितना भी मतलब टॉक्सिन जो है स्टमक में जमा हो रहा है, बॉडी में जमा हो रहा है, वो सब निकल जाएगा और प्योरीफाई हो जाएगा हमारा, तो हमारा किडनी भी पूरा प्योरीफाई रहेगा और एकदम हाइड्रेट रहेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि छोटा छोटा जो चीज़ है, आप लोग जैसे कि पानी का इंपॉर्टेंस जानिए, तो पानी की इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि डायलिसिस में हम लोग पानी नहीं पी पाते थे, लेकिन अब पानी पीने का मौका है, तो इसलिए हम लोग को पानी अच्छा से पीना चाहिए। जैसे आप खाना खा रहे हो पानी भी वैसे इंटेक करो, ताकि आपका क्रिएटिनिन हमेशा लो में रहेगा, नॉर्मल रेंज में रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, जितना भी लोग हैं जो पूछे थे मुझे आपका क्रिएटिनिन जो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है 1.5 1.6 1.4, तो आप लोग थोड़ा पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ा दीजिए, ताकि आपका क्रिएटिनिन हमेशा लेवल में रहेगा। क्योंकि ये चीज़ में कॉमन है पानी के लिए, क्योंकि मैं लाइव में यही सब क्वेश्चन सुन रही थी, है ना। तो मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग थोड़ा पानी के इंटेक को ध्यान दीजिए, चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, पानी के इंटेक को आप कम मत कीजिए, ताकि आपका हेल्थ अच्छा रहे और स्वस्थ रहे, और आपका किडनी भी स्वस्थ रहे और लॉन्ग लाइफ चले। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय इस छोटे से वीडियो में, हैव अ गुड डे।